हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब आप? बढ़िया हैं? मस्त, चलिए ठीक है। चलिए कल हम लोग स्टार्ट कर रहे थे कि वेक्टर पढ़ रहे थे, नया चैप्टर स्टार्ट किया था फिजिक्स में, और वेक्टर की कुछ बेसिक चीजें हमने कल आपको बताई थी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, यही सब बेसिक चीजें आपको बताई थी। कुछ डायरेक्शन के बारे में आपको जानकारी दी गई थी। आज हम बात करते हैं टाइप ऑफ वेक्टर की, भी कल बात हमने करी थी। जिन्होंने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है वो जाकर के पहले वाला लेक्चर देख लीजिए, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो आज आपको पढ़ना है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, कि कई वेक्टर्स का एडिशन कैसे किया जाएगा। पहले टू वेक्टर्स का एडिशन, उसके बाद इससे ज्यादा वेक्टर्स का एडिशन, तो ये एडिशन ऑफ वेक्टर आपको आज क्या करनी है, पढ़ने है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा इसको, ठीक है। चलिए समझते हैं। जैसे हम आपसे कहते हैं कि एक आदमी है कोई, ठीक है, एक क्या है, कोई आदमी है ये, ठीक, और ये आदमी डायरेक्शन कल आपको पता थी, दो चार ये डायरेक्शन में आपको डिनोट करवाया था, ऊपर नॉर्थ साउथ और इधर ईस्ट तरीके और वेस्ट, और मैं ये भी बताया था कि ये डायरेक्शन कहाँ होती है, हॉरिजॉन्टल पर होती है। अब एक आदमी है जो मान लेते हैं 5 किलोमीटर चलता है, किस तरफ, ईस्ट की तरफ चलता है, फिर ये 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलता है, फिर ये 5 किलोमीटर मान लीजिए ये नीचे साउथ की तरफ मुड़ जाता है 5 किलोमीटर, फिर से 5 किलोमीटर इधर चलता है ईस्ट की तरफ, फिर से 5 किलोमीटर क्या हो जाता है, फिर से साउथ की तरफ मुड़ जाता है ऐसे। तो अब हम कहें कि इसकी डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 5 5, ये 5 और ये 5 टोटल जोड़ लिया तो 20 आ गया, 20 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गई। अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इन दोनों को अगर आपस में मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा आपके पास में, उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, मतलब मिनिमम लेंथ आपको कहलाएगी। अब हम देखो उसको वेक्टर में कैसे डिनोट करेंगे। कोई एक आदमी था जो यहां से चलना प्रारंभ किया है, पहले वो कहां गया है, ईस्ट की तरफ गया है, तो हमने इस तरीके से तीर बना दिया ईस्ट की तरफ, हमने डायरेक्शन बता दी। फिर ईस्ट से कहां गया है ये, फिर साउथ की तरफ गया, तो देखिए जिस तरफ गया है उस तरफ हमने इसकी क्या बनाया, हेड, और एरो का जो टेल होगा वो पहले वाले एरो के हेड से क्या होगा, कनेक्ट होगा, मतलब कि पहला हमारे पास एडिशन होगा उसको हेड टू टेल कनेक्शन कहेंगे, ठीक है, हेड टू टेल ऐड करेंगे वेक्टर को, किसी दो वेक्टर से जहां पर किसी एक वेक्टर के हेड को किसी दूसरे वेक्टर के टेल से क्या करेंगे, जोड़ा जाएगा। तो किसी एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा है, इसका टेल ये हेड इसका, इसका टेल इसके हेड से जुड़ेगा, फिर ये इसका हेड इसके टेल से जुड़ेगा, और इनिशियल पॉइंट का जो हमारे पास होगा पॉइंट, और इसका किसके साथ जोड़ देंगे, इसके साथ में जोड़ देंगे ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो ये इस तरीके से कई वेक्टर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो पहला वेक्टर का जो एडिशन होगा वो हेड टू टेल होगा, मतलब किसी के एक वेक्टर के हेड को किसी दूसरे वेक्टर के टेल से क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा, ठीक। जरा इसको और अच्छे से समझते हैं। अब देखिए मान लेते हैं कि जैसे कोई एक वेक्टर ए है हमारे पास, ये वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, इसको वेक्टर बी मान लिया और ये वेक्टर ए है, ठीक है, वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और इसे वेक्टर बी के टेल को वेक्टर ए के हेड से जोड़ा है, और इनिशियल पॉइंट को जो फाइनल पॉइंट से जोड़ेगा और ये इसका हेड हो जाएगा, इसको रिजल्टेंट वेक्टर कहा जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर आर, ठीक है। ये कैसा वेक्टर कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर कहलाएगा, ये जो आर होगा इसको रिजल्टेंट कहा जाता है, रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा ये दोनों वेक्टर के सम के क्या होगा, बराबर होगा, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। जब दो आपको वेक्टर जोड़ने होंगे तो अभी हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, हेड टू टेल मेथड पढ़ रहे हैं, ऐसे में किसी एक वेक्टर का हेड किसी दूसरे वेक्टर के टेल से क्या होगा, कनेक्ट होगा, और इन दोनों को जो कनेक्ट करेगा उसको क्या कहा जाएगा, रिजल्टेंट कहा जाएगा, और ये रिजल्टेंट दोनों वेक्टर के सम के क्या होगा, बराबर होगा, मतलब एडिशन के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला एडिशन है किसी दो वेक्टर को जोड़ना, जोड़ने का, ठीक है, एडिशन। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला आपके पास में है, ध्यान रखिएगा कि रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट का मतलब कहीं पर दो वेक्टर जब आपस में जोड़ते हैं ये, और दोनों वेक्टर को जो आपस में जोड़े वही उसका क्या कहलाता है, रिजल्टेंट कहलाता है। अब हमारे पास क्या है, अगर रिजल्टेंट के अंदर देखा जाए तो रिजल्टेंट अगर देखा जाए तो रिजल्टेंट एक अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी, तो रिजल्टेंट के अंदर इसका अपना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि हमको पता है कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन है, ठीक है, अगर किन्हीं दो वेक्टर का एडिशन
वेक्टर ही कहलाता है, ठीक है, किन्हीं दो वेक्टर का एडिशन या किन्हीं दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन वेक्टर ही कहलाता है। तो अगर ये दोनों वेक्टर हैं तो ये भी क्या होगा, वेक्टर होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इसके अंदर भी होगा और इसके अंदर क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। तो मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इसकी डायरेक्शन अगर निकालनी है तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि वेक्टर ए, जो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर आर है, इनके बीच का अगर हमको एंगल पता चल जाए तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पता चल जाएगी। तो डायरेक्शन का मतलब ये होता है, डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर आर, ठीक है, इन दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा ध्यान रखिएगा, जो इनिशियल आपका वेक्टर होगा इसके बीच का और रिजल्टेंट के बीच का जो एंगल होगा वही उसकी डायरेक्शन को क्या करेगा, डिनोट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसकी डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वेक्टर क्वांटिटी थी, इसके अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों था। मैग्नीट्यूड तो हमने यहां से निकाल लिया और डायरेक्शन कहां से निकालेंगे, दोनों के बीच के एंगल से निकालेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे पास था दो वेक्टर का एडिशन। चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे हम आपसे कहें कि कोई एक आदमी है जो पहले, क्वेश्चन है आपके पास में, एक आदमी है जो पहले 5 किलोमीटर इस तरह चलता है, ईस्ट की तरह चलता है 5 किलोमीटर, उसके बाद ये साउथ की तरफ चलता है 5 किलोमीटर, ठीक है। पहले ईस्ट की तरफ चला 5 किलोमीटर, फिर चला साउथ की तरफ 5 किलोमीटर, और देखिए एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। फिर ये 5 किलोमीटर इधर मुड़ जाता है, फिर से मतलब वेस्ट की तरफ चलता है 5 किलोमीटर। आप बताइए कि इसका रिजल्टेंट कितना होगा, ठीक है। तो कई सारे वेक्टर अगर आपस में जुड़े हैं तो ये हमने इसके मतलब इनिशियल पॉइंट के टेल को और इसके हेड को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया और यही हमने रिजल्टेंट बताया, और ये रिजल्टेंट कितना होगा, 5 किलोमीटर होगा, क्योंकि ये एक तरीके से क्या बना रहा है, स्क्वायर बना रहा है, ठीक है। आप ये चीज केवल वेक्टर में ही पढ़ोगे और दिमाग जो है बिल्कुल घूम गया होगा कि अभी हमने कहा था कि रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एक वेक्टर ए है मान लेते, इसको वेक्टर बी मान लें और इसको वेक्टर सी मान लें, तो अगर 3 वेक्टर होंगे तो 3 वेक्टर का सम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए वेक्टर ए कितना दिया था 5 और वेक्टर बी कितना दिया था 5, वेक्टर सी कितना दिया था 5, तो रिजल्टेंट वेक्टर भी कितना आएगा 5। आपको ये क्या है, ये तो 5 5 10 प्लस 5 15, तो 15 होना चाहिए, तो 15 नहीं होगा, ये फिजिक्स है, ऐसा संभव केवल वेक्टर में ही हो सकता है कि 5 5 5 का सम कितना होगा 5 ही होगा, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, यहाँ पर ये स्क्वायर बन रहा था और इसका रिजल्टेंट भी कितना होगा 5 किलोमीटर ही होगा, ठीक है। ये किसमें पॉसिबल है, केवल वेक्टर में पॉसिबल है, ऐसा करिश्मा जो है ये केवल वेक्टर में ही हो सकता है कि 5 5 5 का सम भी कितना होगा 5 ही होगा, ठीक है। समझते रहिए, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा आज। चलिए आगे आपके पास में एक और क्वेश्चन, जैसे हम आपसे कह रहे हैं कि कोई एक आदमी है जो ईस्ट की तरफ चल रहा है, मान लीजिए 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चल रहा है, ठीक है, ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर, फिर ये ईस्ट से, ठीक है, ईस्ट से 60 डिग्री चल रहा है कि तो किसी भी तरफ मान लीजिए, पहले चल रहा है 5 किलोमीटर, कहां चल रहा है, पहले 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, टूवर्ड्स ईस्ट, एंड देन आफ्टर एट 60 डिग्री मूव्स फ्रॉम ईस्ट, ठीक है। तो पहले ये 5 किलोमीटर यहां चला, अब यहां से देखो ये ईस्ट होगा हमारे पास इस तरीके से ईस्ट, तो ये ईस्ट से कितना मुड़ गया 60 डिग्री मुड़ गया, ऐसे ये ईस्ट से 60 डिग्री मुड़ गया ऊपर की तरफ, तो ये इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। हमने एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ा और ये इसका क्या हो गया, रिजल्टेंट। अब अगर हम आपसे ये कहें ये भी कितना था 5 किलोमीटर, ये भी था और 5 किलोमीटर ये भी था, अब अगर हम आपसे कहें कि इस रिजल्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए, तो क्या रिजल्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे आप, यहाँ पर एंगल आपका बाहर है, ठीक है, यहाँ पर रिजल्टेंट आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम भी लगाना चाहेंगे तो वो अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही होती है, तो वो भी यहाँ पर फॉलो नहीं हो पाएगी। इसलिए ये वाला क्वेश्चन आप इस वाले मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अगर आप इसको हेड टू टेल को क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं तो, ठीक। तो फिर इसको कैसे कनेक्ट किया जाए, तो नेक्स्ट मेथड आपके पास में आता है एक, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था कि अगर इसको हमको सॉल्व करना था, तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है R² =
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम यहाँ से कॉस थीटा हटा दें तो ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये मतलब ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर के अकॉर्डिंग कुछ बन रहा है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक। बाकी इस वाले सिंपल फॉर्मूले से वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वाले से जो है अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये एक थ्योरम देती है जिसका पैरेललोग्राम थ्योरम नाम है, पैरेललोग्राम, ठीक है। यही पैरेललोग्राम थ्योरम आपको क्या करनी है, पढ़नी है। और पैरेललोग्राम थ्योरम कहती क्या है, पैरेललोग्राम थ्योरम ये कहती है कि कोई भी वेक्टर जो है वो सबके सब एक ही पॉइंट से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, एडजेसेंट पॉइंट से जुड़े होते हैं। मतलब कहने का ये, जैसे एक वेक्टर ये है ए तो दूसरा वेक्टर बी भी यहीं से जुड़ेगा और इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इसी पॉइंट से क्या करेगा, कॉमन पॉइंट से पास करेगा ऐसे करके, ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आप पहले ये समझ लीजिएगा कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर, इसमें हेड टू टेल की बात करते हैं, किसी एक के हेड को किसी दूसरे के टेल से जब कनेक्ट करते हैं तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि हर एक वेक्टर का सोल्यूशन फाइंड आउट हो जाए, ठीक है। उसमें कुछ लिमिटेशन है जिसमें हर वेक्टर सॉल्व नहीं किए जा सकते, इसी वजह से हमको पैरेललोग्राम थ्योरम क्या करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। और पैरेललोग्राम थ्योरम में दुनिया के कोई भी वेक्टर अगर आपके पास में है उनका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस वजह से पैरेललोग्राम थ्योरम आपको क्या करनी है, पढ़नी है। तो इसको चलो अच्छे से पढ़ते हैं कि पैरेललोग्राम थ्योरम होती क्या है और इसको कैसे डिराइव करेंगे, ये फॉर्मूला आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक। चलिए इसमें से अगर आपको कुछ लगता हो कि नोट डाउन करने लायक है वो आप अपने मन से अपनी लाइब्रेरी में नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी इम्पोर्टेंट है पैरेललोग्राम थ्योरम, इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ फैक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम थ्योरम आपको पढ़ेंगे। अभी जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि इससे पहले हमने 5 + 5 + 5 इज इक्वल टू 5 कर दिया था, वो सब चीजें समझिएगा तो अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी यहाँ पर, ठीक है, कि वो वहां पर कैसे क्या किया गया था, ठीक है। उसमें कंफ्यूज होने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए चलिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है जैसे उसमें हमने किसी एक हेड को किसी टेल से जोड़ दिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसी एक वेक्टर का टेल किसी दूसरे वेक्टर के टेल से ही क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा। मतलब टेल को टेल से ही क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब ऐड कैसे किया जाएगा, मतलब किसी दो वेक्टर जिनका एडजेसेंट साइड जो कहते हैं एडजेसेंट साइड आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास में कोई दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है, बी है, और दोनों वेक्टर को हमको ऐड करना है, तो ये वेक्टर ए हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, और इसी का एडजेसेंट साइड ये है ना, तो दूसरे वेक्टर का एडजेसेंट साइड इस तरीके से, और इसको क्या मानेंगे, वेक्टर बी मानेंगे। तो अगर इसको वेक्टर ए माने, इसको वेक्टर बी माने, अगर इसको थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ा लें ऐसे करके और इसी के पैरेलल इस तरीके से एक लाइन खींच लें, तो देखो क्या ये पैरेललोग्राम आपको नजर आ रहा है। पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, पैरेललोग्राम की कंडीशन तो यही होती है कि जो आमने सामने वाले हमारे पास होते हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए और बराबर होने चाहिए। मतलब ये इसके पैरेलल हो बराबर हो और ये इसके पैरेलल हो बराबर हो, इसी को तो पैरेललोग्राम कहा जाता है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं इनके बीच का एंगल कितना है थीटा, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट भी जहां पर दो एडजेसेंट साइड इन्हीं दो वेक्टर के जुड़े होते हैं उनका जो कॉमन पॉइंट होता है यहीं से उनका रिजल्टेंट भी क्या करता है, पास करता है ऐसे करके। या तो इसको ये कह सकते हैं कि इन्हीं दो वेक्टर जो कि एक पैरेललोग्राम बनाते हैं तो इनका जो डायगोनल होता है वही इनका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर आर। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है जो फॉर्मूला में बताया था कि वेक्टर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए करते हैं, इसको कोई नाम दे देते हैं, इसको थोड़ा सा आगे हम और बढ़ा लेते हैं ऐसे करके और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने, इसको कोई नाम दे देते हैं एम एन ओ पी क्यू, ठीक है, इसको कोई नाम दे दिया हमने। अगर ये एंगल थीटा है, इस एंगल को हम क्या मान ले, अल्फा मान लेते हैं। अगर देखिए, अगर देखें, अगर एक चीज देखो कि अगर ये एंगल थीटा है हमारे पास और ये डैश लाइन के पैरेलल है तो ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होना चाहिए, थीटा। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर ये हमारे पास बी है तो ये इसके पैरेलल है तो ये भी वेक्टर बी के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, इसी में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये चीज हमको पता चल गई,
अगर ये ए है तो ये वाली लाइन भी क्या होगी, ए ही होगी। अब एक चीज समझिएगा जरा कि हम क्या करेंगे, पहले जो आपको एक छोटा सा एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, मतलब यहां पर इसका हम डेरिवेशन करेंगे, यहां से करना स्टार्ट करते हैं। जो आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है क्या, पी एन ओ, इन ट्रायंगल पी एन ओ, आपको अगर हम एन ओ की वैल्यू कहें फाइंड आउट करिए, और एक बार कहें कि पी ओ की वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो अगर ये एंगल थीटा है और ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो यहां पर हम साइन थीटा कॉस थीटा लगा सकते हैं। अगर कॉस थीटा लगा दें तो कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपके पास में। तो बेस कितना है ये एनओ, और हाइपोटेनियस इसका कितना है एनपी, तो ये कितना हो जाएगा एनओ इज इक्वल टू एनपी कॉस थीटा, ठीक है। और एनपी किसके बराबर है, वेक्टर बी के बराबर, तो हम एनओ को किसके बराबर लिख सकते हैं, वेक्टर बी कॉस थीटा, ठीक है, इसको बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन वन मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको साइन थीटा निकालना है, तो आपको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। तो देखिए परपेंडिकुलर कितना है, ये पीओ, परपेंडिकुलर कितना है पीओ, और हाइपोटेनियस वही है आपके पास में क्या, एनपी साइन थीटा, ठीक। तो पीओ निकालना था हमको, तो पीओ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एनपी साइन थीटा, ठीक। और ये एनपी फिर से पता है किसके बराबर, वेक्टर बी के बराबर, तो ये भी कितना हो जाएगा वेक्टर बी साइन थीटा, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, टू मान लेते हैं। एक इक्वेशन वन पता चल गई, दूसरी इक्वेशन टू पता चल गई, ठीक। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये करना है कि हमको दो चीजें हमको पता चल गई, मतलब जो ये चीज लिखी है ये क्या होगी बी कॉस थीटा, और ये वाली चीज क्या है बी साइन थीटा। अगर आपको कोई चीज रिजोल्व करना आता है, रिजोल्व करना, आप वहां से भी इनके दोनों कंपोनेंट देख सकते हैं। तो अगर ये एरो ऊपर की तरफ ऐसे दिख गई थी, तो इसको ऐसे करके रिजोल्व कर लिया जाता है, तो जिससे थीटा अटैच होता है वो कॉस में होता है, जिससे अटैच नहीं होता वो साइन में होता है। अब इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है, अभी लेकिन यहाँ पर यही समझो। अब क्या है, अब हम बड़ा वाला जो ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, ये वाला पूरा बड़ा वाला, इसमें बात कर लेते हैं। देखो ये पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और हमको इसी से मतलब है ये वाला, तो हम एक बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में बात करते हैं, इन ट्रायंगल एम पी ओ, एम पी ओ, ये बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में बात कर रहे हैं ये वाला, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि एम पी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर पीओ का स्क्वायर प्लस ये आपके पास में क्या हो जाएगा ओ एम का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा एमपी का स्क्वायर किसके बराबर है, आर के बराबर, तो हम इसको ले सकते हैं कि आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पीओ किसके बराबर है बी स्क्वायर के बराबर, तो हम इसको ले सकते हैं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओ एम किसके बराबर है, ये वेक्टर ए है और ये बी कॉस थीटा, तो हम इसको ले सकते हैं कि ए प्लस बी कॉस थीटा का होल आप स्क्वायर। देखो यहां पर दिखाई पड़ रहा है वहां पर ए प्लस बी कॉस थीटा का होल आप स्क्वायर, ठीक। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो ये ए प्लस बी का होल आप स्क्वायर फॉर्मूला बना है, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है, ये बन गया फॉर्मूला, हमने ओपन कर दिया। आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर मिल जाएगा कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में, ये आपको पता है कि वन होती है इसकी वैल्यू प्लस, अब यहां से देखो ये ए स्क्वायर बचा था और प्लस ये टू ए बी कॉस थीटा, ये आपके पास में बन जाएगा, ठीक। अब क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये वन हो जाएगा ना, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है, टू ए बी कॉस थीटा, यही हमको प्रूव करना था और ये आराम से क्या हो गया प्रूव हो गया। इसको और करके चीज और भी ले सकते हैं कि आर इक्वल टू जब ए स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो ये जो फॉर्मूला है, इन इस फॉर्मूले से हम कोई भी वेक्टर हो आपके पास में, आप उनका एडिशन आराम से कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी वेक्टर हम पैरेललोग्राम थ्योरम से क्या कर सकते हैं, ऐड करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में प्रूफ था, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान था, ये प्रूफ है पैरेललोग्राम थ्योरम का और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको जब कभी भी
यूज करना होगा, तो रिजल्टेंट का फॉर्मुला यही यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। अब आपके पास में रिजल्टेंट तो पता चल गया, ठीक है। अब रिजल्टेंट के अंदर यह पता कि रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो रिजल्टेंट के अंदर इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और रिजल्टेंट के अंदर इसकी डायरेक्शन भी होती है। तो मैग्नीट्यूड तो पता कर लिया, अब इसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? तो डायरेक्शन हमने आपको पहले ही बता दी है कि जो वेक्टर ए होता है और जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है इनके बीच का एंगल भी उसकी डायरेक्शन को क्या करता है, डिनोट करता है, ठीक है। जो वेक्टर ए होता है और जो वेक्टर रिजल्टेंट होता है, ये वेक्टर इनके बीच का जो एंगल होता है वही इनकी डायरेक्शन को क्या करता है, डिनोट करता है, ठीक है। चलिए, तो ये था ये प्रूफ हमारे पास। अब इसकी डायरेक्शन के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है, डायरेक्शन का फॉर्मूला हमारे पास होता है tan अल्फा इक्वल टू, ठीक है, ये डायरेक्शन का फॉर्मूला हमारे पास होगा tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। ये आपको क्या करना है, आपकी बात प्रूफ करना है। ये तो प्रूफ हो गया, अब ये प्रूफ करना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपके पास में ये अल्फा है, ये अल्फा हमने क्या कहा था कि वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वही उसकी डायरेक्शन को क्या करेगा, बताएगा। अब ये अल्फा था तो हम यहाँ पर आराम से टेन अल्फा लगा सकते हैं, और टेन अल्फा इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो टेन अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपको पता है कितना है इस ट्रायंगल में, पीओ में लीजिए लिख लेना, इन ट्रायंगल POM, ठीक। तो ये टेन अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, PO अपॉन में ये हो जाएगा एम एन प्लस ये कितना हो जाएगा NO। अब आपको पता है कि PO जो है वो किसके बराबर है, B साइन थीटा के बराबर, ये यहां से यहां तक किसके बराबर है, A के बराबर, और ये किसके बराबर है, B cos थीटा के बराबर। तो यहां से फॉर्मूला आपके पास में बन करके तैयार हो जाएगा, सिंपल है ये तो आराम से निकालोगे, tan अल्फा इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा। तो ये आपके पास में यहां से डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में डायरेक्शन का फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा, ठीक। तो ये दो फॉर्मूले आपके पास में थे, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इससे आप किसी का रिजल्टेंट कैलकुलेट कर ले जाएंगे वेक्टर का, और इससे आप क्या कैलकुलेट करेंगे, उसकी डायरेक्शन पता कर पाएंगे कि वो किस डायरेक्शन में है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम जो रिजॉल्व करने वाली चीज बता रहे थे उसको समझिएगा, ठीक है। इसको लिख लिया आप लोगों ने, चलिए अब रिजॉल्व करने वाली चीज हम ये बता रहे थे कि जैसे आपके पास में, इसको मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, रिजॉल्व कैसे किया जाता है, किसी थीटा था और ये क्या है एरो ऐसे बनी है ये, तो जैसे एरो बनी होती है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट खींचे जाते हैं, ऐसे उल्टा तीर बना दो ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके उल्टा तीर बना दी जाती है। जैसे जैसे ये तीर बनी है तो इसको रिजॉल्व करना है, तो उल्टा डायरेक्शन में ऐसे तीर बना दो, बस ये रिजॉल्व हो गया। अब क्या होता है कि ए अंदर जो एंगल थीटा होता है, तो ये हमारे पास अगर बी था तो जिस लाइन से, यानी कि जिस वेक्टर से थीटा अटैच होता है, जिस लाइन से थीटा अटैच होता है उसको हम इसके रिजल्ट इसके साथ में कहें रखेंगे, कॉस में रखते हैं, और जिसके साथ में अटैच नहीं होता है उसको कहें रखते हैं, साइन में रखते हैं। तो अगर ये बी साइन थीटा था तो ये भी क्या होता, बी साइन थीटा और ये बी कॉस थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको रिजोल्यूशन कहते हैं, इसको रिजोल्व करना कहा जाता है, ठीक है। अभी आगे वो जगह पर काम आएगा इसको रिजोल्व करने के लिए। तो ये थी पैरेललोग्राम डायग्राम आपके पास में, ठीक। एक आपके पास में ट्रायंगुलर मेथड भी होता है, और ट्रायंगुलर मेथड में यही सेम फॉर्मूला आपके पास में निकल करके आता है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। दोनों सेम है, डेरिवेशन भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस वो ट्रायंगुलर मेथड होता है और ये दोनों फॉर्मूले, ठीक है। तो यही आपको अभी समझना है पैरेललोग्राम मेथड। चलिए एक दो क्वेश्चन इस पे बेसिस पे कर लेते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, ठीक। चलिए चलिए जो अभी क्वेश्चन आपको इससे पहले करवाया था वो 555 वाला, वही क्वेश्चन जरा फिर से करते हैं तो समझते हैं, ठीक। वही सेम काम है कि कोई एक आदमी था जो पहले 5 किलोमीटर इधर चलता है, ठीक है, फिर 5 किलोमीटर इधर चलता है, और फिर 5 किलोमीटर इधर चलता है, और हमने उसके बाद बताया था कि ये रिजल्टेंट मीन्स का क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो अब की बार हम ये वाला मेथड अपनाएंगे जो अभी हमने बताया था आपको, ठीक। तो देखिए, अगर एक वेक्टर ये है हमारे पास और दूसरा वेक्टर ये है, तो जरा हम इसी वेक्टर के अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए अगर एक ही देखो तो एक स्क्वायर शेप में बनना है, तो अगर इसका हम डायगोनल खींचते हैं इस तरीके से एक वेक्टर का ये, तो इसको जरा हम ऐसे ना बना करके थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, क्योंकि इस तरीके से हम जोड़ रहे थे एक को हेड के किसी दूसरे के टेल से जोड़ रहे थे तो आपको कंफ्यूजन हो रहा था, तो अब की बार ये वाला मेथड नहीं लगाएंगे हम, ऐसे करते जैसे एक वेक्टर ये था
और एक वेक्टर ये है, मतलब 5 किलोमीटर ये था और 5 किलोमीटर ये है, और एक ये भी था यहाँ पर मान लेते हैं कितना है 5 किलोमीटर ये भी है मान लेते हैं, ये आपका 5 किलोमीटर। तो हमने इसका एक डायगनल क्या कर लिया, ऐसे खींच लिया। ये आपको पता कि दो एडजेसेंट वेक्टर अगर जुड़ते हैं तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है, ये आर होता है, ठीक है। ये वेक्टर ए मान लेते हैं, इसको वेक्टर बी मान लेते हैं। अब आपको ये चीज आपको क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। चलिए अब आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है, किस रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको पता है कि ऐसे कुछ होता है पैरेललोग्राम के लिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, अंडररूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है, ये होता है। अब आप आराम से क्या कर सकते हैं, देखिए आप यहाँ पर आपको पता है कि अगर देखा जाए तो ये देखो ये एंगल आपके पास में 90 डिग्री होगा, तो ये आप यहाँ पर आराम से क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। इस आर की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ पर निकाल सकते हैं ना। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो देखो आराम से आप निकाल सकते हैं, आर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल लीजिए इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कहने का ये है कि अगर ये वैल्यू आपको रिजल्टेंट चाहिए डायगोनल चाहिए तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दें तो निकल आएगा, मतलब आर इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 25, ये हो जाएगा इसका और 25 इसका, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, आर इज इक्वल टू हम ये ले सकते हैं 5 बाहर आ जाएगा और अंडर क्या बचेगा रूट 2, तो ये वैल्यू आपको पता चल जाएगी, इसका रिजल्टेंट पता चल जाएगा 5 रूट 2, ठीक। अब अगर ये आपको पता चल गया, चलिए ये पता चल गई, तो आप अब देखो आपको ये 5 पता है और ये 5 रूट 2 है, तो अगर ये वैल्यू आपको निकालनी है तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, अगर इसको हम एबीसीडी कोई नाम दे दें ये, तो अगर आपको ये एडी की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है कि अगर एडी निकालना होगा तो आपको ये पाइथागोरस किससे लगानी है, एडी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में, ये बीडी का स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको एडी निकालना है, एडी का स्क्वायर, एबी आपको दिया कितना 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये दिया है 5 रूट 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना 25, ये एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 50, तो एडी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 माइनस 25 तो ये कितना आ जाएगा 25, तो एडी बराबर कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप एडी की वैल्यू कितना निकाल देंगे 5 किलोमीटर। तो ये जो वहां पर करिश्मा हुआ था वो करिश्मा कुछ इस तरीके से आया था, वहां पर आप कंफ्यूज हो गए थे लेकिन आप कंफ्यूज होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक आपने सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एबी कॉस थीटा क्यों नहीं रखा है, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू क्यों नहीं रखी है, एबी आपको बड़ा कंफ्यूजन कर रहा होगा, तो यहाँ पर एंगल कितना था ये 90 डिग्री का था, तो अगर कॉस 90 की वैल्यू रखेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अगर कुछ कंडीशन उसी फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू एबी कॉस थीटा में, तो एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए जीरो डिग्री, तो आर बराबर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये बन जाएगा फॉर्मूला, मतलब आर बराबर हम इसको लिख सकते हैं क्या आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल आप स्क्वायर, ये भी तो लिखा जा सकता है, ये अगर इसको अंडर रूट का स्क्वायर चला जाएगा तो ये ए प्लस बी का क्या लिखा है होल आप स्क्वायर लिखा है, ये मैक्सिमम रिजल्टेंट हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। उसी तरीके से अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए तो आर बराबर कितना हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आपको पता है क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, मतलब आर स्क्वायर इक्वल कितना बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि यहाँ पर भी अप्लाई हुआ, ठीक। इसी तरह से थीटा की वैल्यू आप बदलते चले जाएंगे और ये वैल्यू क्या होती चली जाएंगी चेंज होते चली जाएंगी, अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री मान लीजिए रख देते हैं तो आर बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट, अच्छा इसको आर स्क्वायर लिख रखते हैं अंडर रूट बाद में लगा लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी, और कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई रूट 2, ये कट जाएगा तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 ए बी, ठीक है। तो आप किसी तरीके से कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर पुट करते चले जाइए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट होती चली जाएगी। चलिए तो ये था आज के लेक्चर में आपके, कल हम आपको सब्सट्रैक्शन आप बताएंगे कि वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन आपको बताएंगे जिसमें आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आज के टॉपिक में केवल इतना ही, ठीक है, बाकी कल हम डिस्कस करेंगे, आप लोग आराम से बढ़िया मेहनत से पढ़ाई करिए आप लोग, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके बाय।